मेरी नीलांजना धर चैनल पे सारा सरीटा चैलेंज वीडियो को अपलोड किया था, वो वीडियो अपने आप एक मिस्टीरियस तरीके से डिलीट हो गया। हेलो इनिस फैम, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक ट्रू रियल हॉरर स्टोरी। मतलब आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि मैंने सारा सरीटा हॉन्टेड चैलेंज किया था, जो कि 3 AM हॉन्टेड चैलेंज होता है। एंड वो जो चैलेंज मैंने किया था ना, उसी की बैक स्टोरी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्यों ये चैलेंज लोग करते हैं और कौन है ये सारा सरीटा। अगर आपने मेरी सारा सरीटा चैलेंज वीडियो देखा होगा, देन आपको पता होगा कि उस वीडियो में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मुझे कैसी कैसी चीज़ें फील हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कानों में कुछ। तो आज फाइनली मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी स्टोरी इस सारा सरीटा की। आज मैं मेकअप करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की फेस्टिव मेकअप किट के साथ। देख ही सकते हो कितना क्यूट सा पैकेजिंग है। तो ये क्यूट सा स्विस ब्यूटी का प्राइमर लेके मैं सबसे पहले मेरे फेस पे लगा लूंगी। इससे ना फेस बिल्कुल स्मूथ बटरी स्मूथ हो जाता है और मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज करूंगी। ये लिक्विड हाइलाइटर है एंड ये लगाने के बाद गाइस स्किन इतना ग्लो करेगा, आप बस देखना, बिल्कुल कांच की तरह, नहीं डायमंड की तरह ग्लो करेगा मेरा स्किन। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। थोड़ा सा अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, इससे मेरा स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो जाता है। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल एंड अच्छे से ब्राउज को भी शेप कर लूंगी। अभी मेरे बेस मेकअप को मैं फिक्स कर लूंगी स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से। ये बहुत ज्यादा ड्यूई लुक देता है एंड नेचुरल फिनिश भी देता है। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का डुअल पासपोर्ट पैलेट यूज करूंगी। गाइस इसमें आई शेडो एंड ब्लश दोनों है एंड पिगमेंटेशन तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा शिमरी आई शेडो आईज पे लगा लूंगी एंड थोड़ा सा मैट आई शेडो से इसे ब्लेंड भी कर दूंगी। एकदम नेचुरल लुक रखने के लिए मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा एंड सेम डुअल पासपोर्ट पैलेट से मैं ब्लश लगा लूंगी। एंड लास्टली स्विस ब्यूटी का होल्ड मी मैट लिक्विड लिपस्टिक लगा लूंगी। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है गाइस, आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो ये आपके लिप से जाने ही नहीं वाला। सो या हो गई मैं रेडी सिर्फ और सिर्फ स्विस ब्यूटी का ये मेकअप किट यूज करके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपको लिंक दे दूंगी, जल्दी से चेकआउट करो और खरीद लो। गाइस भूत प्रेत या फिर कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में जब भी हम सुनते हैं ना, तो आपको दो चीजें लग सकती है। एक तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये कोई भी चीज होता ही नहीं है, भूत प्रेत जैसी चीजें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, ये सब कुछ सिर्फ एक अंधविश्वास है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्चुअल में ये सब चीज़ों में विश्वास होता है, क्योंकि उनके साथ भी कभी ना कभी कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई होती हैं या फिर उन्होंने खुद से कुछ फील किया हुआ होता है। मैंने जब मेरी नीलांजना धर चैनल पे सारा सरीटा चैलेंज वीडियो को अपलोड किया था, वो वीडियो अपने आप एक मिस्टीरियस तरीके से डिलीट हो गया। मुझे भी नहीं पता कि क्यों या कैसे वो वीडियो डिलीट हो गया था। ऊपर से उस वीडियो में इतनी सारी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, मतलब मुझे ऐसा अजीब महसूस हो रहा था ना वो वीडियो जब मैं कर रही थी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे वो सोच के भी डर लग रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली। क्योंकि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वीडियो एक बार अपलोड करने के बाद मिस्टीरियस वे से यूट्यूब से डिलीट हो जाए। तो उसके बाद मैंने नील सिटी व्लॉग्स पे वो वाला चैलेंज डाला है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। गाइस सारा सरीटा ये जो 3 AM हॉरर चैलेंज है, इसका शुरुआत हुआ था मेक्सिको से। मेक्सिको के बहुत सारे लोग आज भी सारा सरीटा की आत्मा से डरती है। सारा सरीटा वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल गेम है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गेम है, क्योंकि ये गेम आप खुद से स्टार्ट तो कर सकते हो पर आप तब तक ये खेल बंद नहीं कर सकते हो जब तक सारा सरीटा नहीं चाहती। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सारा सरीटा असलियत में थे कौन। सारा और सरीटा मेक्सिको में रहने वाली दो जुड़वा बहनें थी। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक ही जैसे हेयर स्टाइल बनाते थे, मतलब कोई दूसरा आदमी उन दोनों को देख के ये नहीं समझ सकता था कि कौन सारा है और कौन सरीटा। और बचपन से ही ना इन दोनों बहनों में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग था, तो इसीलिए वो दोनों हमेशा एक साथ रहा करते थे। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि सारा और सरीटा लूसीफर की दोनों बेटियां हैं, और लूसीफर आपको पता ही होगा डेविल का असली नाम है।
सारा और सरिता मेक्सिको की एक बहुत नामचीन स्कूल में पढ़ते थे। जब सारा और सरिता स्कूल में थी तब इन दोनों ने उस स्कूल की डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने का सोचा। सारा और सरिता बहुत ही अजीब बहनें थी, मतलब वो स्कूल में ज़्यादातर बच्चों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, किसी से भी ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे, वो दोनों आपस में ही बात करते थे, आपस में ही खेलते थे, तो इसीलिए स्कूल में उन दोनों के बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे। इवन जितने भी स्टूडेंट्स डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे उनमें से एक स्टूडेंट भी सारा सरिता के दोस्त नहीं थे। एक दिन सारा और सरिता दोनों बहनों को ही स्कूल के बाद एक्स्ट्रा टाइम के लिए स्कूल में रहने के लिए बोला गया डांस प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसीलिए वो दोनों बहनें स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की हॉल रूम में इंतजार करती रही, पर थोड़ी देर बाद उनको पता चला आज का डांस क्लास कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए वो दोनों बहनें स्कूल से घर वापस जाने का सोचा। स्कूल से निकलने के टाइम पे सारा अकेले वॉशरूम में गई थी। जब सारा अकेले वॉशरूम में गई उस टाइम पे सारा सरिता के बिना स्कूल में एक भी स्टूडेंट नहीं था और वॉशरूम के अंदर सारा बिल्कुल अकेली थी। इसीलिए सारा को स्कूल में अकेला पाके उस स्कूल की एक सफाई कर्मचारी ने सारा के साथ मिसबिहेव किया, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। सारा ने बहुत कोशिश किया खुद को बचाने का, पर वो सफाई करने वाला एक लोहे की रॉड से सारा पे बहुत बार वार किया और इसी वजह से सारा की मौत हो गई उसी स्कूल की बाथरूम में। और इन सब में काफी टाइम हो गया था एंड इतनी देर बाद भी सारा टॉयलेट से निकली नहीं, यही सोच के सरिता अपने बहन को ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक चली जाती है। और जब सरिता बाथरूम के अंदर गई और उसने देखा कि उसकी बहन बिल्कुल खून से लोटपोट होके बाथरूम में गिरी हुई है, उससे सहा नहीं गया और उसने उस सफाई कर्मचारी को भी देख लिया था जिसने सारा को मार दिया था। सरिता जल्दी से वो लोहे का रॉड उठाती है और वो सफाई कर्मचारी के ऊपर वार करने लग जाती है, लेकिन वो सफाई करने वाला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो इसीलिए वो सरिता को पकड़ लेता है और पास में रखी हुई पानी के ड्रम में सरिता की मुंह डुबो देता है। इसलिए सरिता बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी और दम घुटने की वजह से उसकी भी मौत हो गई उसी बाथरूम में। इसके बाद वो सफाई करने वाला सरिता को उसी बाथरूम में एक फांसी के फंदे से लटका दिया ताकि स्कूल के सारे लोगों को ऐसे लगे कि सरिता खुद ही अपनी जान ले ली है। और उसने सारे लोगों को जाके यही बोला कि सारा और सरिता दोनों बहनें अपने आप में लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करने के बाद सरिता ने सारा को मार दिया और फिर उसने खुद की जान ले ली। पुलिस ने जब पूछताछ करी तब हर एक स्टूडेंट ने यही बोला कि सारा सरिता बहुत ज़्यादा अजीब है, वो दोनों लड़कियाँ किसी से भी बात नहीं करते हैं, वो दोनों सिर्फ अकेले में रहते हैं, तो ऐसा हो ही सकता है कि सारा सरिता दोनों में झगड़ा हो गया हो, तो इसलिए सारा ने सरिता को मार दिया। और बाद में जब सरिता को अपनी गलती की एहसास हुई तो उसने अपनी जान ले ली और पुलिस वालों ने सबसे सेम बात सुन के इसी बातों को विश्वास भी कर लिया। पर पुलिस को उस बाथरूम के अंदर छानबीन करने से दो कॉइन के बने हुए लॉकेट्स भी मिले थे। उन दोनों लॉकेट्स को चेन में डाल के सारा और सरिता पहनती थी और जहाँ पे वो दोनों सिक्के मिले थे वहाँ पे एक सिक्का हेड्स की तरफ था और दूसरा सिक्का टेल्स की तरफ था। गाइस, ये इंसिडेंट तो कुछ दिन पहले ही खत्म हो गया था, बट स्कूल में जब एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया, सारे स्टूडेंट्स आने लगे, उसके बाद से जब भी कोई स्टूडेंट अकेले उस बाथरूम के अंदर जाता था उसको सारा सरिता दिखाई देती थी। उसे सारा और सरिता की आवाजें सुनाई देती थी, अजीब अजीब चीखों की आवाजें आती थी। गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि उन दोनों बहनों के पास से एक लॉकेट मिला था जिसमें एक कॉइन बना हुआ था। मेक्सिको की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने इन दोनों कॉइन्स को इकट्ठा किया और इन दोनों कॉइन्स को लेके एक रिचुअल किया और उस रिचुअल में उन्होंने सारा और सरिता की आत्माओं को बुलाया है। तो ये चैलेंज करने के लिए आपको चाहिए दो कॉइन्स और दो कॉइन्स सेम ही होना है। मैं यूज करने वाली हूँ ये दो 10 रुपए के कॉइन। आपको पूरे रूम का लाइट्स ऑफ कर देना है, आप सिर्फ कैंडल्स जला सकते हो। ये चैलेंज आप किसी और के साथ बैठ के भी कर सकते हो, मतलब दो आदमी मिलके भी ये चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ये चैलेंज अकेले करो और इसमें वो सक्सेसफुल हो गई। और इसके बाद से उनको ये भी पता चला दुनिया में कोई भी अगर दोनों कॉइन्स को लेके सारा और सरिता की आत्मा को बुलाती है रात के 3 बजे तब सारा और सरिता की आत्मा जरूर उनके पास आती है। और पूरी मेक्सिको में आग की तरह ये बात फैल गई
और धीरे धीरे मेक्सिको से ये हॉरर चैलेंज वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। आज भी बहुत सारे लोग इस चैलेंज को करते हैं और बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हुई दिखी है। सो गाइज, जब मैंने ये हॉरर चैलेंज किया था ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था तब मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था, और चैलेंज करते करते मेरे पीछे वो दरवाज़ा अजीब तरीके से खुल गया था और मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था जब मैं वीडियो बना रही थी। पर इतने सारे कमेंट्स आए मेरे पास, आप लोगों ने नोटिस किया था कि मेरे पीछे जो दरवाज़ा था वो अचानक अपने आप खुल गया था। और अब भी मैं जब ये बात बोलती हूँ ना, मुझे गूज़बम्स आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड गाइज, मैंने ये चैलेंज तो कर लिया है, बट मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप घर पे ये चैलेंज ट्राई करो, क्योंकि इसमें सच में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो बिल्कुल भी इसे ट्राई मत करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है देन इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो।